गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो इसमें आपको हम दो क्वेश्चन आज मेरा है टारगेट के इसको क्रैक कराने का। सबसे पहला हमारा जो टाइटल बनता है आपका फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। अब देखिए बच्चों, अब चूंकि पैटर्न गया है बदल, पहले था एमसीक्यू टाइप का, अब ज्यादातर जो विश्वविद्यालय अपना जो करा रहे हैं एग्जाम जो आपका जनवरी के में होने वाला है उसमें अब आपके जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो सबसे शायद पहला सेक्शन होगा कंपलसरी, उसके सारे को उनमें ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो उनमें आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम दो टाइटल कवर करेंगे। सबसे पहला कवर करेंगे फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, या इसके लिए एक एक करके टर्म एक और दिया है कि जो है आपका बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन इन पक्सेरिया, ठीक है, यह रस्ट करके सवाल आ सकता है। और दूसरा हम जो सवाल आज के में जो करवाएंगे और दूसरा हमारा रहेगा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब देखिए जरा, सबसे पहले तो हम अपने लोकल लैंग्वेज में आपको समझा देते हैं, इसके बाद फिर आपको टेक्निकली हम वर्ड यूज करके पैराग्राफ बना के आपका फाइनल करते हैं। देखिए जरा बच्चों, इसमें क्या है, पक्सिनिया ग्रैमिनस है एक फंगस, क्या है आपका पक्सिनिया ग्रैमिनस, देखते जाइए बच्चों पक्सिनिया ग्रैमिनस, ठीक है बच्चों। अब ये आप जानते हैं ये किस रोग का कारक है आपका ब्लैक रस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसके अनेक जो है रेसेस हैं, क्या है आपके अनेक रेसेस हैं। अब रेसेस क्या है, जैसे अभी आप लोगों ने जैसे पढ़ा है कि ब्लैक रस्ट है, जैसे अब है आपका पक्सिनिया ग्रैमिनस और वेराइटी टिट्रिसाई, क्या है आपका TRITICI, वेराइटी क्या है आपके टिट्रिसाई। अब देखिए जरा, अगर हम दूसरा लिखते हैं, पहले आपको समझा देते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में एक्चुअली क्वेश्चन किस टाइप का है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी कि फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन आ गया तो उसमें जब हमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम लिखेंगे क्या, तो उस लिहाज से सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसे एक वेराइटी आपको बताई पक्सिनिया ग्रैमिनस वेराइटी टिट्रिसाई, और दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं आपका पक्सिनिया ग्रैमिनस एवेनी, पक्सिनिया ग्रैमिनस वेराइटी एवेनी, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर ये दोनों को देखने से हमें एक अंदाजा लग रहा है कि दोनों का जीनस स्पीसीज एक मिल रहा है, पक्सिनिया ग्रैमिनस इसका भी है और पक्सिनिया ग्रैमिनस इसका है, और वेराइटी इसकी है आपकी टिट्रिसाई और इसका है आपका एवेनी, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, ये केवल जो है ये वैरायटी है अगर तो केवल केवल गेहूं को इन्फेक्टेड करेगी, काय को करेगी आपके गेहूं को, और ये करेगी ओट को, काय को करेगी ओट को। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है, अगर पक्सिनिया कहीं पर रोग लगा है और उसमें टिट्रिसाई वैरायटी नहीं है तो फिर वो गेहूं को इन्फेक्टेड नहीं करेगा। कहने का मतलब एक वैरायटी का अपने होस्ट के प्रति क्या है आपका स्पेसिफिक होस्ट के द्वारा ही इन्फेक्शन होता है। होस्ट जो है आपका, होस्ट में जो इन्फेक्शन होगा एक स्पेसिफिक जो है आपका पैथोजन, ठीक है। अब जीनस और स्पीसीज एक है और वैरायटी क्या है आपका टिट्रिसाई। अब इसके लगभग आपके 6 स्ट्रेन में कितने आपके आपके उदाहरण के लिए तो 2 सूटेबल, ठीक है। इसके बाद तो ये हमारा जो हमने एक रफली आपको आइडिया दिया फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन का सवाल आता है। तो देखिए जरा स्टार्टिंग हम कहां से करते हैं, देखिए जरा पक्सिनिया ग्रैमिनस की मैनी नंबर्स ऑफ फिजियोलॉजिकल रेसेस हैं, क्या है आपके अनेक जो है फिजियोलॉजिकल क्या है आपकी रेसेस, ठीक है। अब इसमें क्या है, फिजियोलॉजिकल रेसेस में क्या है कि सभी स्पीसी जो है अपने स्पेसिफिक होस्ट में जो है क्या करती हैं, स्पेशलाइजेशन दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं स्पेशलाइजेशन। जैसे जैसे जो है आपका एक स्ट्रेन है आपका पक्सिनिया ग्रैमिनस वेराइटी टिट्रिसाई, ये केवल केवल वीट को इन्फेक्टेड कर सकता है, किसको आपके वीट को इन्फेक्टेड करेगा, और दूसरा स्ट्रेन है आपका पक्सिनिया ग्रैमिनस वेराइटी एवेनी, ये केवल ओट को संक्रमित करेगा, ठीक है। और अब कहने का मतलब ये
इनका इनमें क्या है, आपके अपने होस्ट के प्रति स्पेसिफिकेशन है। तो ये जो फिनोमेना है वो कहलाएगा आपका बायोलॉजिकल जो है आपका स्पेशलाइजेशन। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, कि अपने होस्ट के प्रति पैथोजन का जो है इन्फेक्शन अपने स्पेसिफिक होस्ट में स्पेसिफिक पैथोजन के द्वारा होता है। तो इसके लगभग 6 स्ट्रेन जो है मोस्ट प्रोबेबली खोजे गए हैं। और वैसे तो जो आप अगर देखेंगे, बहुत बड़ी बुक देखेंगे, तो लगभग 300 से ऊपर हैं, लेकिन हम लोगों के इस स्टैंडर्ड में 6 आपके आ जाते हैं, उससे हमारी स्टडी का काम चल जाता है। 2 एग्जांपल हमने आपको दे दिए। इसके बाद क्या है, अब एक पैराग्राफ हमको बनाना होगा कि पक्सिनिया ग्रैमिनस सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में इन्फेक्टेड होता है। मतलब पक्सिनिया के द्वारा जो है सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन फैलता है नॉर्थ में और साउथ में। कहाँ कहाँ बच्चों? नॉर्थ और साउथ में। और जो नॉर्थ में जो इन्फेक्शन फैलता है वो अप्रोक्सीमेटेड आता है आपका मार्च में। कब आता है आपका? मार्च में। और साउथ में कब आता है बच्चों? ये लगभग नवंबर में। कब आता है? नवंबर में। तो एक चीज हम जानते हैं, चूंकि ये रबी की क्रॉप है बच्चों, भाई की क्रॉप है रबी की, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है आपके? अक्टूबर नवंबर में। और फसल पककर कब तैयार हो जाती है? तो नॉर्थ इंडिया में इसका कोई ज्यादा फर्क जो है आपके नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मार्च में फसल हमारे यहाँ पककर जो है आ जाती। अब प्रॉब्लम कहाँ आती, सबसे ज्यादा लॉस कहाँ हुआ आपका? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में क्या होता है, अक्टूबर नवंबर में जैसे सोइंग करेगी, बुआई हुई, वैसे ही जो है क्या हुआ आपका इन्फेक्शन लग गया। तो उस पे क्या होगा, जैसे आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा जो है लीफ वाला पार्ट अफेक्टेड होता है, तो उससे क्या होता है कि उसमें जो है आपके जो फोटोसिंथेटिक का रेट है वो क्या हो जाता है आपका? गिर जाता है। जब फोटोसिंथेटिक का रेट गिरेगा फोटोसिंथेसिस का, तो नेचुरल सी बात है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है बहुत कम होगी। तो इससे सबसे ज्यादा हानि कहाँ होती है आपके? साउथ इंडिया। अगर हमारा ये सवाल आता है फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन करके छोटा सा डाल देते हैं टाइटल, तो उसमें क्या करें, क्या आप लिखेंगे कि पक्सिनिया की अनेक फिजियोलॉजिकल रेसेस हैं, ठीक है, जैसे पक्सिनिया ग्रैमिनस वैरायटी टिट्रीसाई एंड पक्सिनिया ग्रैमिनस वैरायटी अवेनी, जो मतलब जो वीट को जो स्ट्रेन इन्फेक्टेड कर रहा है वो जो है जौ को या उसको जई को नहीं करेगा, जो ओट को कर रहा है वो जो है वीट को नहीं करेगा। अब जो 6 नए स्ट्रेन अब तक खोजे गए हैं, और वैसे तो कितने 300 से ऊपर इसके स्ट्रेन जो है मालूम है, ठीक है। इसके बाद इंडिया में ये रोग जो है नॉर्थ और साउथ दोनों में जो है आपके इससे लॉस होता है। और नॉर्थ इंडिया में रोग की स्प्रेडिंग कब होती है आपकी? मार्च में। और साउथ में कब होती है आपकी? नवंबर में। और ये डिपेंड क्या करती है बच्चों, कि इसमें जो मोस्ट प्रोबेबली इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है पैथोजेनेसिटी के लिए, उसके यूरिडोस्पोर का जो है आपका पैथोजेनेसिटी एंड कल्चरल वेरिएबिलिटी, इसमें जो है साइज ऑफ यूरिडोस्पोर एंड कल्चरल वेरिएबिलिटी सबसे ज्यादा इफेक्टेड करती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन अबाउट रस्ट और पक्सिनिया, ठीक है बच्चों। 3 नंबर का सवाल अगर आता है, ये चांसेस रहते हैं, जैसे कुछ सवाल ऐसे हैं पक्सिनिया में जो अक्सर आते हैं। सबसे पहला सवाल आपका जैसे शुरुआत से लेते हैं, तो इसमें आपका ऑटोइसियस हेट्रोइसियस प्राइमरी होस्ट अल्टरनेट होस्ट टाइप्स ऑफ रस्ट, तो उसमें भी एक सवाल इसको ऐड कर लीजिएगा फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया टू द पॉइंट आप लिख के आइए, कुछ चीजें आप मिस नहीं करेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो हमारा आज के वीडियो में जो नेक्स्ट टाइटल है वो जो है आपका आता है आपका क्या नाम, दूसरा जो है आपका टाइटल है वो है आपका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मेरा अगला टाइटल है, तुम बोलो कब बोले? अरे यार आपने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, देखिए जरा बच्चों वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में क्या है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखिए जरा। आज के मेरे जो आज का जो मेरा वीडियो रहेगा, सबसे पहले आपको फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन बताया एंड देन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। अब देखिए जरा पक्सिनिया ग्रैमिनस की हम बात करते हैं, काय की बात करते हैं आपके पक्सिनिया ग्रैमिनस की,
तो बच्चों जैसा कि हम पहले वीडियो में इसके पहले डिस्कस कर चुके कि इसकी लाइफ साइकिल में कितने नंबर ऑफ होस्ट हैं आपके, दो, एक है आपका प्राइमरी और दूसरा कौन सा है बच्चों, पहला फर्स्ट नंबर है आपका प्राइमरी होस्ट और सेकंड नंबर है आपका अल्टरनेट होस्ट। ठीक है, प्राइमरी होस्ट कहलाता है आपका वीट और ये कहलाता है आपका बारबेरी, बारबेरी। ठीक है, इसको कुछ लोग सेकेंडरी होस्ट भी मानते हैं। अब बच्चों क्या है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में, सबसे पहली बात कि इसमें जो है आपके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में, फक्सिनिया ग्रैंडिस के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में दो प्रकार की माइसिलियम पाए जाते हैं। ठीक है, दो, तो कौन कौन सी माइसिलियम होंगे, सबसे पहला है आपका डाइकैरियोटिक माइसिलियम, कौन सा आपका डाइकैरियोटिक माइसिलियम, और सेकंड वन है आपका मोनोकैरियोटिक माइसिलियम। ठीक है, अब देखिए जरा, जो डाइकैरियोटिक माइसिलियम है वो पाया जाता है आपका वीट प्लांट पर, और ये जो मोनोकैरियोटिक माइसिलियम है ये पाया जाता है आपका बारबेरी के पौधे पर। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें दोनों प्रकार के जो माइसिलियम है, चाहे आपका प्राइमरी माइसिलियम हो या जो डाइकैरियोटिक माइसिलियम हो या जो है आपका मोनोकैरियोटिक माइसिलियम हो, मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक दोनों प्रकार की माइसिलियम जो है आपके इंटरसेलुलर, कैसे आपके इंटरसेलुलर। अभी आपको दो दो तीन टर्म आएंगे उनको सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, आपके इन दोनों प्रकार की जो माइसिलियम है वो कैसे आपके इंटरसेलुलर, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, सेप्टेट एंड ब्रांच। अब देखिए जरा दो चीजें आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आपको बताया कि इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इंट्रासेलुलर क्या होते हैं, INTRA इंट्रासेलुलर, जैसे जब जो है आपके वो होस्ट के अंदर प्रवेश करते हैं, और ये क्या करते हैं इंटरसेलुलर, होस्ट की दो सेल के अंदर ग्रोथ करते हैं, वो एंट्री करते हैं ये ग्रोथ करते हैं। ठीक है, और सेपरेट यानी कि डाइकैरियोटिक और मोनोकैरियोटिक दोनों प्रकार के माइसिलियम, तीन टर्म इस्तेमाल होंगे, इंटरसेलुलर, सेप्टेट एंड ब्रांच। ठीक है, और ये जो है आपके जो डाइकैरियोटिक माइसिलियम है इसमें बनता है आपका डाइकैरियन, क्या बनता है बच्चों डाइकैरियन, ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में आपको मेंशन करना होगा। और डाइकैरियन का मतलब क्या होता है आपका, एक सेल के अंदर दो नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और मोनोकैरियोटिक माइसिलियम के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे, वन नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो है इसमें, और दोनों प्रकार इसमें जो है सेल वॉल जो है काइटिन एज वेल एज ग्लूकोन से निर्मित होती है, कैसे आपके काइटिन एज वेल एज जो है आपके ग्लूकोन से निर्मित होती है। ठीक है, इसमें मेन कंपोनेंट होता है आपका जो है आपका काइटिन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि अब यानी कि ये मोनोकैरियोटिक माइसिलियम पाया जाता है अल्टरनेट होस्ट बारबेरी प्लांट पर, इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने आपके, एक। तो वेजिटेटिव माइसिलियम में केवल केवल आपको इतना ही कहना है कि फक्सिनिया ग्रैंडिस में दो प्रकार की माइसिलियम पाए जाते हैं, डाइकैरियोटिक माइसिलियम एंड मोनोकैरियोटिक माइसिलियम। डाइकैरियोटिक माइसिलियम प्राइमरी होस्ट जो है आपके वीट प्लांट पर, और मोनोकैरियोटिक माइसिलियम अल्टरनेट होस्ट बर्बेरिस वल्गेरिस प्लांट पर होते हैं। और दो बोथ टाइप के माइसिलियम इंटरसेलुलर, सेप्टेट एंड ब्रांच, सेल वॉल कैन आल्सो मेड अप ऑफ काइटिन एज वेल एज ग्लूकोन। और इसमें डाइकैरियोटिक माइसिलियम में डाइकैरियन पाया जाता है, मीन नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है आपके दो, और इसमें वन नंबर ऑफ न्यूक्लियस। और फक्सिनिया ग्रैंडिस इज ए हेट्रोइसियस फंगस। ठीक है, तो आज का मेरा वीडियो यहीं पर फिनिश होता है, और इसके बाद कल आपको इसका लाइफ साइकिल रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, थैंक यू।